तुसी चकदे टीवी देख रहे हो, मैं हाँ गुरविंदर सिंह। वड्डी खबर सामने आ रही है, खेती कानूनों नाल जुड़ी हुई खबर है। तुहानू दस दिंदे हां कि खेती कानूनों नू लैके सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया सी, जिस दे विचों भुपिंदर सिंह मान ने अपना नाम वापस लै लिया सीगा। इस कमेटी के जिहड़े मुखी ने अनिल घनवत, उन्हां दे वल्लों हुण मंग कीती जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों जिहड़ी कमेटी बनाई गई सी, उस कमेटी दियां सिफारशां सुननियां चाहीदियां ने, उस ते अमल करन दी लोड़ है। उन्होंने कहा है कि खेती कानूनों नू लैके जिहड़ी कमेटी बनाई गई सी सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों, उस कमेटी का भी सन्मान करना चाहीदा है, उसनू भी जनतक किया जाना चाहीदा। उन्होंने कहा कि उस कमेटी दे विच खेती दे हित दे विच कई अजिहियां चीज़ां ने जिहड़ियां देश नू खेती संकट तो बाहर कढ सकदियां ने। उन्होंने कहा कि उस दे विच MSP नू गारंटी देण दा जिहड़ा कानून बनाउण दी मंग कर रहियां ने किसान जथेबंदियां, वह कानून बनना पॉसिबल नहीं हैगा। उन्होंने कहा कि वह कानून बनना बहुत मुश्किल होवेगा। खेती कानूनों नू लैके एक कमेटी जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट दे वल्लों बनाई गई सी, उस दे मुखी ने अनिल घनवत ने दूजी वार चीफ जस्टिस रमन्ना नू एक पत्र लिखा है। उन्होंने दूजी वार पत्र लिखा है, तो पत्र लिख के चिट्ठी लिख के मंग की है कि उन्हां दी जिहड़ी सिफारशा ने उन्हां दी कमेटी दियां, वह सिफारशा लागू कीतियां जाण, उन्हां सिफारशा नू जनतक किया जाए जो कि खेती दे हित विच ने। दूजे पासे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐलान कर चुके ने कि खेती कानून पूरी तरह रिपील करन जा रही है केंद्र सरकार। तो जदों एक पासे प्रधानमंत्री ऐलान करते हैं, दूजे पासे अनिल घनवत ने उत्थे भी नाराजगी जताई सी कि अनिल घनवत ने कहा सीगा कि खेती कानून रद्द कर रहे हो, खेती कानून किसानों के हक विच ने, ते बहुत सारे फायदे किसानों नू देणगे खेती कानून। की कुछ कहा सीगा उस समय जदों तिने खेती कानून रिपील करन दी गल प्रधानमंत्री ने कही, उस समय अनिल घनवत ने की कहा सी, दिखा दिंदे आ तुहानू। और अब ये कानून वापस लिए गए हैं, तो किसी भी पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो अगले 50 साल तक कोई भी कृषि कानून में सुधार करने की हिम्मत नहीं करेगा। और ये किसानों के लिए बहुत ही गलत है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ये चाहते हैं कि हमारी कमेटी ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी थी उसको देखा तक नहीं, उसकी चर्चा भी हुई नहीं। अगर उस पर चर्चा हुई तो जो भी खामियाँ इन तीन कानूनों में थी उनको सुधार के नए तरीके से कानून अगर आते तो देश का भला होता, किसानों का भला होता, लेकिन ये हुआ नहीं है। जो कुछ भी हुआ वो किसानों के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये अच्छी बात नहीं हुई है। तुसी देखा अनिल घनवत दा ये बयान, अनिल घनवत ने साफ तौर पर विरोध किया खेती कानून रद्द किए जाण दा, ते हुण वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़खड़ा रहे ने, उत्थे चिट्ठिया लिख के अपील कर रहे हैं कि साड़ी सिफारिश जिहड़ी वह भी सुन लो। पिछले करीब एक साल तो किसान दिल्ली दियां वख-वख सरहदां दे उत्ते प्रदर्शन कर रहे हैं, जिथे किसानां दी शहादत हो रही है। 750 तो उपर किसान जिहड़ा है वह इस किसानी घोल दे विच शहीद हो गया। दूजे पासे जदों प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिता, तां तीजे पासे सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी हुण अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है, कह रही कि सानूं भी सुन लो। पर सब तो वड्डा सवाल यह है कि दूजे पासे अज कैबिनेट की मोदी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, इस बैठक दे विच तिन्ने खेती कानून रिपील करन नू लैके एक कानून लियांदा जाएगा। उस कानून के राही जिहड़ा है एक बिल पास करके वो सदन दे विच लियांदा जाएगा, फिर लोग सभा राज्यसभा ते राष्ट्रपति दे सिग्नेचर तो बाद वो खेती कानून रद्द हो जाएंगे। उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी होगा तो किसान दिल्ली दियां सरहदां खाली करनगे, ते MSP दे कानून नू लैके भी किसान बैठे हुए ने। पर अनिल घनवत ने तो साफ तौर पर कह दिता कि MSP ते कानून नहीं बन सकता, उन्होंने जिहड़ी कमेटी की सिफारिश है उसके मुताबिक अनिल घनवत हुण अपना विच ही अलग तो राग जिहड़ा उह लाप रहे ने, ते सुप्रीम कोर्ट का हुण दरवाजा खटखटा रहे ने, चिट्ठियां लिख के अरजोई कर रहे ने, रिपोर्ट जनतक करन दी मंग कर रहे ने। फिलहाल होर इस मामले च की कुछ अपडेट हुंदा है लैके तुहाडे तक जरूर आवांगे, बने रहो चकदे टीवी दे नाल। चमत्कार हुंदे ने, देखो अपनियां अखां सामने, 3 घंटे च हर परेशानी का हल पाओ। 7 इलमां दे माहिर दिवानशु जोशी, मेरे किते नूं कोई कट नहीं सकता, कट्टन वाले नूं मूँह मंगया इनाम। परेशानी जिवें मनचाहा प्यार, पति पत्नी चनबन, काले जादू का खात्मा,
बीमारी दवा ना लगना, वशीकरण करवाओ, जिसनों चाहे उसनों अपने वश करो, लाटरी नंबर पाओ भावें 649 होवे जां लोटोमैक्स। धोखेबाज प्रेमी प्रेमिका सौतन दुश्मन नूं अपनियां अखां सामने तड़फदा वेखो। 7082844950